I quote, "Journalism is printing. What someone else does not know tells is public relations." In today's world, however, the lines between journalism and public relations are increasingly blurred, creating a pressing challenge. I mean, accuracy is often sacrificed. The implications of this are trivial. We see lives affected, societal divisions deepening. Thank you very much. थैंक यू राशि साहब. जिस तरह से इन्होंने डिपार्टमेंट के साथ वो पैसे में इंश्योरेंस करने शुरू किए हैं कुछ साल पहले, वो हमारे जेन ज़ी जो हमने ये सिलसिला शुरू किया, मलिहा मेरे ख्याल से यहाँ पे है, तो दोनों को हमने आज एंकर जानते हैं कि आज नेशनल प्रेस डे है और पूरे कंट्री में आज हमारा ये नेशनल प्रेस डे जो है, ये हर इंस्टीट्यूशन में जो इससे एसोसिएटेड हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमें भी एक खुशकिस्मती से मौका मिला है कि हम भी इस दिन में, इस दिन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं. इसका आज का जो थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस, तो बहुत सारे हमारे पास अच्छे अच्छे स्कॉलर्स जो हैं, जो फंक्शन आप देख रहे हैं जिसमें आपने कवर किया, इसमें इसके बारे में काफ़ी जो है वो रोशनी डाल रहे हैं. बेसिकली ये प्रेस की फ्रीडम पे ही नहीं बल्कि जो एथिकल जर्नलिज्म है उसके बारे में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेस की और कितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. अभी आप सुन रहे थे हमारे एक स्पीकर ने बोला कि ये हम सारे जो हैं न्यूज़ लेने के लिए, न्यूज़ डाइजेस्ट करने के लिए, वी आर दी कंज्यूमर. तो यह हर एक कंज्यूमर का एक राइट है कि वो अनअडल्ट्रेटेड जो है प्रोडक्ट वो ले. तो हमें ये राइट है सोसाइटी में कि सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने कंज्यूमर तक पहुँचाएँ, अपने सिटीज़न तक पहुँचाएँ. तो बहुत सारा इसमें DIPR का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है शुरू से, और अभी भी जो है जैसे हमारे पास अलग अलग टाइम पे ज़रूरत के हिसाब से मीडिया पॉलिसीज़ आई. अभी हमारी मीडिया पॉलिसीज़ 2020 है और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट ईयर में नई पॉलिसी हमारे पास जो है डिपार्टमेंट लेके आ रहा है मीडिया के, क्योंकि बहुत सारे इसमें शिफ्ट हो रहे हैं. अभी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की बात जो है चल रही है, तो डिपार्टमेंट काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें कि हम सोशल मीडिया को एक ऑर्गेनाइज्ड मीडिया बनाने में, एक रिस्पॉन्सिबल और एक एथिकल मीडिया बनाने में हमारा किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहे, जो कि पब्लिक को एक इन्फॉर्म्ड और एक रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करने के लिए, उन तक पहुँचाने के लिए जो है रोल प्ले करें. तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का भी एक अपना फ़र्ज़ है जो ये बहुत अच्छे से अंजाम दे रहा है कि हम टाइम टू टाइम इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से और एक फ्री वे से हम पब्लिक के साथ एक एज ए करियर, एज ए मैसेंजर का काम करें, ताकि पब्लिक जो है वो इन्फॉर्म्ड पब्लिक बनने के लिए सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे. इसमें डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे जो प्रपोज़ल हैं वो चल रहे हैं, खासकर जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे और सुन रहे थे कि हमारे पास सोशल मीडिया जो है इसकी रीच बहुत बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐट द सेम टाइम ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज और एथिकल जो है ये लैंडस्केप में काम करे, वो हमारा जो काम है उसमें हम अपने लेवल पर इस पॉलिसीज़ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं.